हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विदिस कुकिंग। आज हम बनाएंगे इतने टेस्टी और इतने सारे तरीके के पकौड़े, वो बिल्कुल पकौड़े की दुकान में मिलते हैं वैसे, और एकदम टेस्टी ऐसी ग्रीन चटनी की रेसिपी ऑलरेडी अपलोड की हुई है, तो वो भी आप देख सकते हैं, लिंक आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो टेस्टी ऐसे चटपटे और तरह तरह के पकौड़े ज़रूर से बनाइए, और ग्रीन चटनी की रेसिपी की लिंक आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। सब्सक्राइब करें विदिस कुकिंग को और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से प्रेस करें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया है बेसन। आपने हलवा की दुकान या पकौड़े की दुकान पे आपने देखा होगा कि तरह तरह के पकौड़े तो मिलते हैं, पर जो घोल होता है वो एक ही होता है। तो इसलिए आज हम बनाएंगे एक ही घोल और बहुत सारे तरह के पकौड़े। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है बेसन, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी है अजवाइन। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट। अगर आपको गार्लिक पसंद है तो आप गार्लिक भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने गार्लिक नहीं डाला है, तो मैं डाल दूँगी अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट, और इन सबको हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक ही बैटर से बहुत सारे पकौड़े, और वो भी अलग अलग टेस्ट के, बहुत ही झटपट बन जाते हैं, और घर में जिस तरह की डिमांड हो आप वो उस तरह के पकौड़े एक ही बैटर से बना सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ पानी, और इसमें पानी हम धीरे धीरे ऐड करेंगे, और इसका एक गाढ़ा बैटर बनाएंगे, पतला बिल्कुल नहीं बनाना है। तो इसी तरह से मैं बैचेस में पानी ऐड करती जाऊँगी और इसका एक गाढ़ा बैटर रेडी कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैं धीरे धीरे पानी ऐड करती जा रही हूँ, एकदम थिक बैटर हम रेडी करेंगे। और इसी तरह से धीरे धीरे मैं मिक्स करती जाऊँगी, और धीरे धीरे मैं इस पानी ऐड करती जाऊँगी, और एकदम थिक ऐसा बैटर मैं रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने अच्छे से बैटर बना लिया है, एकदम थिक हमारा बैटर रेडी हो चुका है। तो ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी का हमें बैटर चाहिए, ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी। इससे हम जो भी चीज़ बनाएंगे उस पर अच्छे से कोट हो जाएगा। और अब हम इसको ढक देंगे रेस्ट करने के लिए, तब तक हम सारे वेजिटेबल्स चॉप कर लेते हैं। तो मैं इसको रेस्टिंग टाइम दे देती हूँ। और अब सबसे पहले मैं ऑनियंस कट कर रही हूँ। तो कभी कभी किसी घर में किसी को पसंद है रिंग्स, कभी किसी को लच्छा ऑनियंस पसंद होते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले रिंग्स कट कर रही हूँ। तो आप इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से ऑनियन की रिंग्स कट कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से निकल आती है, और जो छोटे छोटे टुकड़े बचते हैं बीच के, उसको आप एकदम बारीक चॉप करके रख लीजिए, और बाद में उसके भी हम पकौड़े बना सकते हैं। वेस्ट नहीं करना है, हर तरह का यूज़ करके हम पकौड़े बनाएंगे। तो ये देखिए मैं बड़ी बड़ी जो है वो रिंग्स ले लेती हूँ कुछ इस तरह से, और जो हमारे छोटे छोटे टुकड़े बचे हैं उसके मैं और छोटे बारीक चॉप करके एक बाउल में रख दूंगी। और सेम तरह के आलू के अगर छोटे छोटे टुकड़े हुए तो वो भी मिक्स कर लूँगी। और जब चाहें तब आप बना सकते हैं लच्छा ऑनियन। तो ये देखिए इस तरह के हम लच्छा ऑनियन जो आते हैं वो मैंने चॉप करें। तो रिंग्स ऑनियन और लच्छा ऑनियन हमारे रेडी हो चुके हैं, और ये है जो बचे हुए छोटे छोटे बारीक ऑनियन। और अब यहाँ पे मैंने दो बड़े आलू ले लिया है। तो दो बड़े आलू में एक मैं आलू की बना लूँगी इस तरह की चिप्स वाली, कतली वाली जो है आलू के पकोड़े, जो आलू की पूड़ियाँ भी बोलते हैं। तो इसलिए मैं इस तरह से यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको इस तरह का आपके पास किसनी नहीं है, तो आप नॉर्मल चाकू से भी इस तरह की बड़ी बड़ी चिप्स बना सकते हैं। तो पहले मैं इस तरह से चिप्स सारी बना लेती हूँ, और ये देखिए एक आलू में से अच्छी खासी चिप्स बन जाती हैं। तो मैं इसको शिफ्ट कर लूँगी वाटर में, और अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ फ्रेंच फ्राइज पकौड़ा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने बेस कट कर लिया, और हम जब जिस तरह से फ्रेंच फ्राइज कट करते हैं बिल्कुल उसी तरह से आलू कट करें। बच्चे होते हैं घर पे तो फ्रेंच फ्राइज का नाम देख के आप कुछ भी खिला सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैंने इस तरह से बड़े बड़े आलू कट कर लिए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही झटपट कट हो जाते हैं, और बड़े पतले जितने आपको चाहिए उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे फ्रेंच फ्राइज पकौड़े के लिए भी आलू कट हो चुके हैं। और अब ये हमारा घर का बना हुआ पनीर है। इसकी रेसिपी ऑलरेडी लिंक आपको आई बटन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो ज़रूर से बनाइए। बिल्कुल बजाय जैसा एकदम सॉफ्ट और परफेक्ट टेस्ट वाला पनीर आप घर पर भी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैं बड़े बड़े पीसीस कर रही हूँ। आप चाहें तो बड़े पीसीस कर सकते हैं, स्क्वायर, ट्राइंगल, कोई भी शेप के पसंद हो आप कर सकते हैं। ये देखिए कुछ कुछ लोगों को इतने बड़े बड़े पनीर के पीसीस भी पसंद है, पर मेरे घर में थोड़े से छोटे पसंद किए जाते हैं। तो इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ, इस तरह से कट कर लूँगी बीच में से, और इस तरह के स्क्वायर पीसीस कर लूँगी। तो ये तैयार हो गए हमारे पनीर पकौड़े के लिए पनीर के पीसीस।
और अब यहाँ पे मेरे पास कुछ मिर्चियाँ हैं तो मैं उसके भी पकौड़े बनाऊँगी। तो यहाँ पे हम चाहें तो सिंपल इसी मिर्ची को डायरेक्टली डिप करके आप बना सकते हैं, पर मैं इसमें थोड़ा सा मसाला भी ऐड करूँगी ताकि इसका टेस्ट और एनहांस हो जाए और बढ़ जाए। तो इसलिए यहाँ पर मैंने कट लगा करके इसी तरह से सारे जो अंदर के बीज हैं वो निकाल लूँगी। तो ये देखिए हमारी मिर्ची जो हो गई एकदम परफेक्टली रेडी, और इसी तरह से बाकी मिर्ची भी कर लूँगी। और अब हम इसमें बनाने मिर्ची में भरने वाला मसाला, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ धनिया जीरे पाउडर। धनिया जीरे पाउडर की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी और बाकी मसालों की कम, बहुत ही ज़रा सा लाल मिर्च का पाउडर क्योंकि ऑलरेडी मिर्ची ही में ही डालना है, थोड़ी सी हींग। और अब मैं इसमें डाली हूँ थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा नमक हम डालेंगे। धनिया जीरा पाउडर सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन लेना है, वो ध्यान रखें। और अब मैं इसमें डाली थोड़ा सा आमचूर पाउडर या चाट मसाला, जो भी आपके पास अवेलेबल, ज़रा सा डालिए पर डालेगा ज़रूर। और अब मैं इन सबको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा मैं इसमें डाली हूँ गरम मसाला, और इन सबको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद में यही मसाला हम भर लेंगे मिर्च में। इस मसाले से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है, जब ये मसाला बेसन के साथ होता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा टेस्ट देता है। तो ये देखिए मैं इस तरह से हरी मिर्च में इस मसालों को पहले थोड़ा थोड़ा भर रही हूँ, और बाकी जब बचेगा तो हम पूरा भर लेंगे। जितना क्वांटिटी आपको पसंद है आप उस हिसाब से हरी मिर्च को भर सकते हैं। तो मैं इसी तरह से हरी मिर्च को भर लूँगी। सिंपल सा मसाला है पर टेस्ट बहुत ही अच्छा देता है, तो इस तरह मैं इस तरह से भर लूँगी हरी मिर्च को। और ये देखिए यहाँ पे मैंने सारी हरी मिर्च अच्छे से भर करके रख ली है। और अब हम एक मेन चीज़ है जो हमें बैटर में ऐड करनी है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी तेल को मीडियम टू हाई फ्लेम पे गरम करने रख दिया है। बैटर भी हमारा हो गया है सेट, बट इसमें अभी दो ऐसे इंग्रेडिएंट है जिससे हमारे जो पकौड़े हैं वो एकदम सॉफ्ट होंगे। तो एक है ये बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, और दूसरा है जो हमने गरम तेल करने रखा था ना, वही ले लीजिए एक बड़ा चम्मच या 2 से 3 टेबल स्पून, और वो गरम तेल इसमें डालेगा। और गरम तेल डालने के बाद में हम बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। सोडा और ये गरम तेल से हमारे पकौड़े एकदम सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेंगे। तो ये स्टेप ज़रूर से करिएगा, तभी आपको पकौड़े एकदम अच्छे से फुले फुले और क्रिस्पी बनेंगे बाहर से और अंदर से एकदम सॉफ्ट। तो यहाँ पे मैं अच्छे से बैटर मिक्स कर लेती हूँ। तेल हमारा हो चुका है गरम, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आप थोड़ा सा डालकर देख लीजिए, एकदम हाई फ्लेम पे या मीडियम टू हाई फ्लेम ही होना चाहिए, लो फ्लेम बिल्कुल भी नहीं। तो ये देखिए अब मैं इसमें डाली हूँ ओनियन रिंग्स। सबसे पहले मैं ओनियन रिंग्स जो है वो अच्छे से बेसन में डिप करके उसके पकौड़े बना लूँगी। बड़ी कढ़ाई लीजिएगा, उसका एक फ़ायदा है बहुत सारे पकौड़े एक साथ में तल जाते हैं तो झटपट हो जाता है हमारे घर में काम। तो यहाँ पे मैंने बड़ी कढ़ाई ले ली है और ऑलमोस्ट सारी रिंग्स एक साथ में डाल दी है। बीच बीच में हम इसको हिलाते जाएंगे और इसको हल्का सा गोल्डन कलर आने तक कुक कर लेंगे, और फ्लेम को रखना है मीडियम टू हाई, लो बिल्कुल ना करें। और ये देखिए हमारी ओनियन रिंग्स हो चुकी है परफेक्टली रेडी, क्रिस्पी एंड टेस्टी। तो हम मैं इसको निकाल लूँगी एक टिश्यू पेपर पे। और अब मैं सेम बैटर में फिर से बना रही हूँ आलू के कतली जो बनाई थी चिप्स वाली, वो वाले पकोड़े, या आप आलू की पूरी भी बोलते हैं, तो वो मैं डाल दूँगी। और वो भी आप देखिएगा बहुत ही अच्छे से फूल जाती है, हमने जो गर्म तेल डाला था और सोडा उसकी वजह से ये बहुत ही अच्छे से फूल जाएगी और एकदम टेस्टी ऐसी बन जाएगी। तो ये देखिए इसको भी मैं हिलाती जाऊँगी, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं पकौड़े। ये देखिए तो मैं इस तरह से हिलाती जाऊंगी और कुक करती जाऊंगी, और जब ये अच्छे से रेडी हो जाएंगी, हल्के से गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएंगे, गोल्डन येलो कलर के, तब मैं इसको निकाल लूँगी एक टिश्यू पेपर पे। ये देखिए हमारे टेस्टी ऐसे आलू पकौड़े रेडी हो चुके हैं, तो मैं इसको भी निकाल लेती हूँ एक टिश्यू पेपर पर। देख सकते हैं कितने अच्छे से फूले हैं। और अब मैं डाली हूँ पनीर पकौड़ा। तो ये देखिए जिसको पनीर पसंद है उसको भी पनीर पकौड़ा बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अलग टेस्ट आता है। तो ये देखिए आप पनीर पकौड़ा भी मैं डाल देती हूँ, और इसको भी मैं अच्छे से हिलाती जाऊँगी और कुक करती जाऊँगी। आप इसमें भी देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं, एकदम अच्छे से बलून जैसे फूल जाते हैं और क्रिस्पी और टेस्टी लगते हैं। तो ये देखिए बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, ऐसे हमारे पनीर पकौड़ा रेडी हो चुके हैं। और अब मैंने जो हरी मिर्च भर के रखी थी उसी को मैं बेसन में डिप करके डाल रही हूँ, तो यहाँ पे टेस्टी ऐसी हमारी हरी मिर्च के पकौड़े भी रेडी हो जाएंगे। और इसे भी हमें फ्राई करना है मीडियम टू हाई फ्लेम पे, और बीच बीच में इसे चलाते जाना है। अगर ऐसे बेसन थोड़ा सा निकल भी जाता है तो चिंता ना करें, ऐसे भी टेस्टी बहुत लगता है। और ये देखिए इसको भी मैंने अच्छे से कुक कर लेंगे
मीडियम टू हाई फ्लेम पे और अच्छा सा गोल्डन येलो कलर आ जाएगा, तब मैं इसको भी निकाल लूँगी एक टिश्यू पेपर पे। और अब यहाँ पे मैंने जो फ्रेंच फ्राइज जैसे आलू कट किए थे वो मैं डाल रही हूँ, उसके पकौड़े बना रही हूँ, तो वो भी मैं अच्छे से डाल दूँगी एक साथ में बहुत सारे। और इसको भी मैं लो टू सॉरी मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम कुक करेंगे और बीच बीच में हिलाते जाएंगे, तो ये भी अच्छे से फुल करके टेस्टी ऐसे हमारे पकौड़े रेडी हो जाएंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं और बहुत ही अच्छे से गोल्डन कलर भी आ चुका है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी एक टिश्यू पेपर पे। आप चाहें तो कैप्सिकम के पकौड़े भी इसमें डाल सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे ओनियन जो लच्छा हमने कट किए थे वो डाल दिए थे मैंने बेसन में लास्ट में, और इसको भी मैं बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जो छोटे छोटे हमारे ओनियन और प्याज बचे थे ना वो भी मैं एक साथ में डाल दूँगी, तो यहाँ पे टेस्टी ऐसे हमारे ओनियन पकौड़े भी रेडी हो जाएंगे। बीच बीच में चलाते जाएंगे और कुक करते जाएंगे। और ये देखिए टेस्टी ऐसे ओनियन लच्छा पकौड़े भी हमारे रेडी हो चुके हैं। एक बैटर और कितने सारे टेस्ट के पकौड़े, और घर में सारे इंग्रेडिएंट्स आपके अवेलेबल होते हैं वही वाले, तो टेस्टी ऐसे पकौड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे बस और आलू ओनियन रिंग्स, आलू की चिप्स, पनीर, आलू की लच्छा, हरी मिर्च और टेस्टी ऐसे ग्रीन चटनी रेडी हो तो बात ही क्या। बारिश के मौसम में पकौड़े ज़रूर से बनाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।